अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफादार रसूल ने। सामिन इकराम, इस बच्ची का वीडियो हमने पहले भी डाला था और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक 30 से 40 हज़ार रुपये जमा नहीं हो पाए। इतने अफसोस है कि यह बच्ची, जिसको बहुत ज़रूरत है इलाज की और माशाल्लाह 12 पारों की हाफिज़ा है, और डॉक्टर की टीम का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया से बाहर, जिसमें 16 से 17 लाख का ख़र्चा है। और आप लोगों से गुजारिश पहले भी की गई थी, लेकिन 40,000 चैनल के सब्सक्राइबर होने के बाद चंद ही लोगों ने इसको सुना और इग्नोर कर दिया। कई लोगों ने तो मुझे मैसेज भी किया कि हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में भेज रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फेक है, फर्जी है। तो मैंने उनसे ये जवाब दिया, उनको ये जवाब भी मैंने दिया कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिना तहकीक ये गुनाह है, और जब तक किसी के ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया, जब तक तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे, तब तक अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। अब इस बच्ची की हम लाइव वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बनाने का अलाउड नहीं है, फिर भी हम डाल रहे हैं। चोरी छुपे बना के इसलिए डाल रहे हैं कि जो लोग बकवास कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़े कि हर वीडियो और हर जो मदद के लिए गुहार की जाए वो फेक नहीं होती, वो गलत नहीं होती। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़ें, इस बच्ची को ताउन करें। 12 पारों की हाफिज़ा है ये बच्ची, और इसका जहन बहुत मजबूत है। आगे जा कर के ये बच्ची बहुत दिन का काम करेगी माशाल्लाह से। तो आप लोगों से गुजारिश है, आगे आएं और इस बच्ची की मदद करें। अकाउंट की डिटेल भी डाली जा रही है, और आप लोगों ने अगर रमज़ान में ज़कात वगैरह निकालने का भी पैसा रखा है तो वो भी अभी दे सकते हैं। और जो भाई डायरेक्ट बात करना चाहता है, मेरा नंबर दिया हुआ है, वो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकता है, और मुझसे मुलाकात करना चाहे तो मुलाकात भी कर सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस पर तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों में सेंड करें, और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। तो सामिन इकराम, ये बच्ची है जिसके डोनेशन के लिए हम लोगों ने वीडियो डाला था। बहुत से लोग कह रहे थे वीडियो बना के डालें, वीडियो बना के डालें, तो वार्ड में वीडियो बनाने का अलाउड है नहीं। तो आज हम इसको अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी दोनों के लिए नीचे लेके आए हैं। इसी हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर में एडमिट है ये। अब अंदर चलते हैं। ये डॉक्टर ने लिख के दिया है, पेशेंट वार्ड में है, रिदा नाम है, 10 साल उम्र है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड रिपीट है। पेमेंट तो लगेगी ना? हाँ, पेमेंट तो लगेगी। ठीक से बैठो ना। हो गई एंट्री। ये लास्ट है उसका, और वो बताया कि अगर इसमें कोई क्लियर नहीं होता तो फिर सीटी कराना पड़ेगा एक बार। देखिए सामने इकराम, ये है बच्ची, और इसका अल्ट्रासाउंड आज वार्ड में से भेजा है यहाँ पे, क्योंकि वार्ड में ना वीडियो बनाने का अलाउड है नहीं। तो भैया, एक रिदा नाम से ना पेशेंट का अभी रिपोर्ट आई होगी आपके पास, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है। हाँ, तो कितनी देर में रिपोर्ट आ जाएगी उसकी? रिपोर्ट 24 आवर्स, 4 घंटे में। तो चलिए ठीक है, 4 घंटे में आपसे लूँगा, लेकिन उस पर अर्जेंट लिखा हुआ होगा। अर्जेंट की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारी मैडम चली गई है अभी, जो उसको देख रही है ना वार्ड में, वार्ड में जो देख रही है वो चली गई है छुट्टी पे, वो कल, हाँ वो कल आएंगी 1 घंटे के लिए। तो मुझे आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बोलने आया था मैं आपसे, ठीक है। रिपोर्ट सही से बनवा दीजिएगा, ठीक है, वार्ड में है पेशेंट, ठीक है, ओके।
सामिन इकराम, हम नीचे से ऊपर आ गए, ये बेड है बच्ची का और डॉक्टर ने ये कहा कि भाई जो इसकी सोनोग्राफी होगी वो ऊपर ही होगी, मशीन आ गई है, मशीन आपके सामने दिख रही होगी, तो डॉक्टर आ जाएंगे, ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, मुख्तसर सी मैं बना रहा हूँ, जैसे ही डॉक्टर आएंगे मैं खामोश हो जाऊँगा। सर ये पुरानी रिपोर्ट है वन मंथ की, जो शुरू में करवाया था, जिसमें इसको गांठें दिखाई देती थी।